रुक जाओ भाई, फिर धीरे से ऊपर आओ, थोड़ा इसको पोंछ लेते हैं। तो वर्कआउट किया, ये पंप हुआ कि नहीं, इसका मसल ब्रेक हुआ कि नहीं, तो पता चल जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। जैसे हमारा सीरीज चल रहा है, तो आज जो वर्कआउट मैं दिखाने वाला हूँ, आज जो मैं करूँगा, आज मेरा शोल्डर है, शोल्डर ट्रैप्स, इसको ट्रेन करता हूँ। तो आइए देखते हैं शोल्डर को कैसे ट्रेन करता हूँ मैं। 2, 3, 10। देखो, अगर जिसका ये नहीं हो रहा है ना, वो ये भी ट्राई कर सकते हो ऐसे। देखो ये। तो फिर चलो मिलते हैं मेरा सेकेंड वर्कआउट में। मैं पहला डंबल प्रेस लगाता हूँ। इसका एंगल मैं थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ रखता हूँ कि मेरा शोल्डर अच्छे से ग्रो हो जाए। चलो कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट सेट में 20 लिया आज, मतलब हमेशा मैं 20 20 ही लेता हूँ हमेशा। फिर इसका 4 सेट लगाता हूँ, एंड वाला ड्रॉप सेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सेट है, चलो देखते हैं, कम से कम 12 रेप्स होना ही चाहिए उसमें। 1, 2, 3। तो इसका 15 रेप्स आया है मेरा। देखो आप लोग ना, इसमें ईगो लिफ्ट मत करो, ठीक है। 10 लो 12 लो, जो भी लो, फर्स्ट सेट में आपका 15 होना चाहिए, 12 कम मैक्सिमम होना चाहिए। और करते करने के बाद क्या करना है आपको, आपको करना है कि पोजिंग, ठीक है। तो मैं तब तक कर लेता हूँ 4 सेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। तो भाई देखो, मैं अभी जो शोल्डर प्रेस कर रहा था, अगर आपका उसमें माइंड मसल कनेक्शन सही नहीं होता है या फॉर्म प्रॉपर नहीं होता है, तो अगर आपका जिम में ये मशीन हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, अगर अवेलेबल है तो इस पे कर लेना, ठीक है। सेम ही देखो, जैसे मैं वहां कर रहा था, ये सेम ही है। 1, अच्छे से स्ट्रेच स्क्वीज, ये ना ये हमारा इस पोर्शन को अच्छे से ट्रेन कर देता है, ठीक है। चलो मिलते हैं। देखो ये दूसरा वर्कआउट नहीं है, वो जो वर्कआउट था और ये सेम ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट सेट में, हमारा नेक्स्ट वर्कआउट में। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, साइड राइज और चेस्ट सपोर्टेड साइड राइज का मैं सुपर सेट लगाता हूँ। तो चलो साइड राइज देखते हैं। देखो ज्यादा ऐसा ऐसा मत करो, ठीक है। फोकस 1, ऊपर जाकर सांस छोड़ो 2। जैसे ही हो जाएगा, मैं उसके साथ लगाऊंगा चेस्ट सपोर्टेड साइड राइज का सुपर सेट, मतलब ये नॉर्मल वाला, मतलब खड़े होके और चेस्ट सपोर्टेड वाला, ठीक है। अब देखते हैं चेस्ट सपोर्टेड वाला कैसे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इसमें ना माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, फिर ऐसे करना 1, मैं भी यही करता हूँ 2, 3। तो ये दोनों मिला के मेरा होता है सुपर सेट, और उसके साथ मैं करता हूँ एक जबरदस्त पोजिंग। चलो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्कआउट में, तब तक इसका मैं सेट खत्म कर लेता हूँ। तो भाई इसके बाद मैं लगाता हूँ फ्रंट राइज। वो देखो, इसको ना मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ, एक 1, फिर ऐसे 1, फिर बाहर की तरफ 1, फिर ऐसे 2, 2, 2। तो इसका भी मैं 4 सेट लगाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम करेंगे, रुको रुक जाओ भाई, थोड़ा इसको पोंछ लेते हैं। देखो भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है भाई, कोई नहीं, बना लेंगे जितना हो पाएगा अच्छा, मतलब क्लियर आने की कोशिश करूंगा, मतलब क्लियरली आ जाए वीडियो उतना अच्छा है, ठीक है। तो शीशा साफ कर लिया, तो करेंगे मस्त वाला पोजिंग। तो पोजिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जितना अच्छा आप पोजिंग कर लोगे, पोजिंग एक मेडिटेशन की तरह होता है, जितना मसल और माइंड का कनेक्शन इतना अच्छा होगा, उतना आपका जो ग्रोथ है वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसका वर्कआउट किया, ये पंप हुआ कि नहीं, इसका मसल ब्रेक हुआ कि नहीं, तो पता चल जाता है। ऐसे ही वो खत्म हो जाता है, इसके बाद मैं करता हूँ अपराइट ड्रॉइंग। इसका मैं ना थोड़ा वाइड पकड़ता हूँ, ठीक है, शोल्डर पे अच्छे से आए। और ये ना ध्यान में रखना कि पूरा ऐसे ऊपर, पूरा नीचे नहीं, ऐसे नहीं, रेस्ट में नहीं लेना चाहिए। कैसे, ये नाभि से 1, सांस छोड़ो यहाँ 2, ध्यान में रखना इसमें इंजरी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। 3, 4,
इसका 12 रेप्स का मैं 3 सेट लगाता हूँ, फिर आखिरी जो सेट होता है उसमें मैं ड्रॉप सेट लगाता हूँ, 7-7 का ड्रॉप सेट लगा देता हूँ। तो भाई इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ये रेयर डेल के लिए, ठीक है, रेयर डेल के लिए रिवर्स फ्लाई कर लेता हूँ, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, कैसे करना है देखो, ऐसे चेस्ट आउट, ये छाती के, छाती ना ये जंग मतलब हमारा जो क्वाड्स है उसके ऊपर रहेगा ऐसे करके, ठीक है, आगे रखना और ज्यादा मत ऐसे करो, स्ट्रेट रखो थोड़ा, और ये हमारा टारगेट है, ऐसा नहीं करना है। देखो ये यहाँ तक हो गया, अभी दो एल्बो को क्लोज करेंगे, 1 2। जैसे ही मेरा ये हो जाता है, इसके साथ मैं क्या करता हूँ, फेस पुल कर लेता हूँ ये, और उसका सुपर सेटी लगाता हूँ। देखो फेस पुल जब मैं करूंगा ना, तो इसको कहाँ रखूंगा, यहाँ इस हाइट में रखूंगा, ठीक है, और मैं ले लूंगा एक रोप, रोप लेके इसमें ना ज्यादा वेट मत लो यार, ज्यादा अगर आप वेट ले लोगे ना तो आप ईगो लिफ्ट वाला हो जाओगे, ठीक है, ऐसे करके लेना है, ऐसे नहीं, सीधा, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ ट्रैप्स, चलो चलते हैं ट्रैप्स की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट हमारा होता है ट्रैप्स। ट्रैप्स को देखो, ऐसा नॉर्मल ये मत करो, हाथों से मत उठाओ, ठीक है, यहाँ ये फोर्सेस करो, 1 2 डाउन, 1 2। तो इस समय देखो, 1 ये जैसे स्क्विच स्क्विच अप, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, यही बोल रहा था, यही था आज का वर्कआउट शेड्यूल, फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्कआउट में, उसमें रहेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, उसमें रहेगा बाइसेप ये और ट्राइसेप एक साथ, ठीक है, तो रेडी हो जाओ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।